आगरा सर्किट हाउस में नगर निगम सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनते उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल सिंह बाल्मीकि ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के साथ नगर निगम अधिकारियों की साथ की बैठक। बैठक में आयोग के सदस्यों ने नगर निगम के अधिकारियों पर जताया रोष। कमल सिंह बाल्मीकि ने नगर निगम अधिकारियों को अवगत कराया कि जल्द सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को हल होना चाहिए, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। नगर निगम के अधिकारियों ने दिया आश्वासन, जल्द समस्या का होगा निवारण। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आयोग के सदस्य पर किया भरोसा। कर्मचारी का भी और अपना भी नगर निगम जमा करेगा और ईएसआई जमा करेगा, परंतु दुर्भाग्य था तभी से आज तक किसी भी कर्मचारी के खाते में 2200 रुपए नहीं गया। नगर निगम पूरा पैसा दे रहा, मगर जो सेवा प्रदाता की जो कंपनियां अग्रवाल और सीएलसी वो आज की बैठक में मंत्री जी के साथ कर्मचारी भी यहाँ आए हुए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर मंत्री जी जो आपको नोट कराया उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सभी समस्याओं को नोट कर लिया गया है और सभी समस्याओं का निस्तारण ऐसे सुन है जितने जल्दी हो सकेगा करा दिया जाएगा और समस्याएं कोई ऐसी नहीं है जिनका निस्तारण ना हो सके और एक एक करके इनका निस्तारण कराने की जल्दी कोशिश की जाएगी। और रही बात की पदोन्नति की, तो पदोन्नति की मैं कोशिश करूँगा कि अगले महीने पदोन्नति कमेटी उठा के कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनको सफाई नायक का कारभार प्रभारी कारक पर देख रहे हैं, उनको प्रॉपर पदोन्नति कर दी जाए। और पीएफ ईएसआई का पैसा जो बताया गया है कट रहा है, लेकिन संबंधित कंपनी द्वारा इनके खाते में नहीं जाया है, तो आज कंपनी को बुला के उनके साथ मीटिंग की जाएगी और जितना इनकी लायबिलिटी बन रही है बेगर जो पैसा नहीं आया कंपनी के पास है वो शीघ्र इनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको एक सूची जारी करा दिया है। आज एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आई है कि ये एक व्यक्ति है इनकी इनका लोन हो गया है लेकिन उनके फोटो नहीं है, उनका कोई साइन नहीं है, अंगूठा नहीं है, उनके खाते से पैसे गायब हैं, उनके पैसे रोक दिया गया निगम से, उनकी बेटी की शादी है नवंबर में, तो क्या समस्या का निवारण होगा? देखिए क्योंकि फाइनेंशियल मैटर एक जांच का पैसा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इनका पैसा अगर इन्होंने 2.5 लाख 3 लाख जो इनका इशू है बैंक द्वारा जो लिया गया है उसकी जब तक जाँच नहीं हो सकती है जब तक तो वो पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनका बाकी बचा हुआ पैसा है जो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से नियमावली के अनुसार से वो वापस करा दिया जाएगा, जिससे कि अपना परिवार का जीवन पालन और उसकी सबकी शादी कर सकें। मैं कमल सिंह बाल्मीकि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य पूर्व क्षेत्र मंत्री। आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठक की गई? आज नगर निगम के कर्मचारियों के शोषण के मुद्दे को लेकर बैठक ली है। इसमें नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी ZSO साहब, समस्त ZSO साहब और इंस्पेक्टर लोग मौजूद हैं, उनको सब समस्याओं से अवगत करा दिया है। जैसे कि जो बैंक से लोन लेते हैं और फर्जी उनके लोन होते हैं उनको फिर पैसा रोक दिया जाता है, वो नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करा दिया, उन्होंने कहा है कि जो पैसा है वही रोका जाएगा, बाकी भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे कि इन कर्मचारियों जो समस्या का निवारण नहीं हो पाया तो उसके PF SI कार्ड उसकी भी स्वीकृति नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रदान कर दिया, क्योंकि इस वक्त सक्षम अधिकारी यही है मेरे पास। अगर इनकी समस्या का निर्धारण नहीं हो पाया तो क्या अगला क्या आपका बोल? मैं समझता हूँ बहुत योग्य लोग बैठे हैं ये नगर निगम के अधिकारीगण, समस्याओं का 100% निराकरण होगा, सब जायज मांगे हैं, और अगर इसके बाद नहीं होता तो योगी जी की सरकार है, उनको याद रहना चाहिए। क्या हो सकता है?